हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद ये वीडियो जा रही है। मैं पटना में था, बीपीएससी पीटी को लेकर जो गड़बड़ी हुई है पीटी के रिजल्ट में, उसी को लेकर मैं पटना में था और कोर्ट केस करवा दिए हैं। एक इंडिविजुअल और तीन ग्रुप केस है, केस नंबर आ गया है। उम्मीद है कि इसी सप्ताह में पहले हियरिंग हो जाए, तो वो तो हो ही चुका है। उसके अलावा पॉलिटिकल जो लीडर से मिलना था वो भी हुआ है। एक फोटो तो मैंने अपलोड भी किया था और मीडिया के तरफ से भी जहां तक हो पा रहा है कोशिश की जा रही है बीपीएससी पे चारों तरफ से दबाव बना के रिजल्ट दिया जाए। ये पहली बार है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक डाउट है जो बार बार मुझसे पूछा जा रहा है। कुछ लोग डर रहे हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं ऑलरेडी बीपीएससी का, उनको भी डर लग रहा है कि कहीं रिजल्ट जो अभी बीपीएससी जारी करेगी सुधार के, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बाहर हो जाएंगे। देखो, कोई सुधार के रिजल्ट जारी नहीं हो रहा। एक जो दिमाग में आ रही है ना बात, कि सुधार के रिजल्ट, रिवाइज, जिसको रिवाइज रिजल्ट कहते हैं, रिवाइज रिजल्ट नहीं आ रहा है। हर हाल में एक ही मतलब हर हाल में दो चीजें हो सकती है। एक तो एग्जाम कैंसिल या पूरी तरह से रिजल्ट रिवाइज, और दूसरा एडिशनल रिजल्ट। तो ना ही कोई एग्जाम कैंसिल हो रहा है, ना ही रिजल्ट रिवाइज हो रहा है। यहां पे एक ही तरीका है, वो है एडिशनल रिजल्ट का। तो जो भी मेंस का की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने फुल फॉर्म में करें, एकदम आप करते रहो, आपको नहीं रुकना है, क्योंकि आप मेंस देने जा रहे हैं। जिनका छूट गया है एक दो नंबर से, चार नंबर से या पांच, जो भी है वो तो जब आएगा तब पता चलेगा, तो वो भी तैयारी कंटिन्यू कर दें, क्योंकि एडिशनल रिजल्ट तो आएगा। वो कोर्ट के माध्यम से आए या बीपीएससी दे, एडिशनल रिजल्ट तो उसको देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि गलती हुई है। ऐसा तो होनी है नहीं कि आप जबरदस्ती मांग रहे हैं, गलती आपने की है। तो इतने समय से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ बेईमानी हुई है, तो आपको एडिशनल रिजल्ट तो देना पड़ेगा। तो पहला भ्रम दूर कर लो, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं, वो बाहर नहीं हो रहे हैं, कुछ और इन होंगे, ये बात अलग है। कुछ और रिजल्ट बढ़ेगा, वो बात अलग है, लेकिन कोई बाहर नहीं हो रहा है। तो ये जो दिमाग के अंदर है कि रिजल्ट आने से एक दो जो बाउंड्री पे हैं, जो बिल्कुल 97 लाके पास की है, 98 पे, तो वहां पे सुधार होगी, तो कहीं मैं तो बाहर नहीं हो जाऊंगा। आप बाहर नहीं हो रहे हो, आप इन हो, तो आप इन्हीं रहेंगे। कुछ एडिशनल रिजल्ट दिए जाने की बात चल रही है। ये पहली बार है जब बीपीएससी ने खुद एक्सेप्ट किया है, पहली बार बीपीएससी ने एक्सेप्ट किया है कि उसकी तरफ से गलती हुई है, और वो स्टूडेंट को बुला रहे हैं कि आप प्रूफ दें और हम उसको सुधारेंगे। अच्छी बात यह होगी कि बीपीएससी की तरफ से ही सुधार हो जाए, तो उससे क्या होगा, एक तो टाइम कम है, उसे बहुत जल्दी ही एडिशनल रिजल्ट आ जाएगा। अगर उनके तरफ से सुधार होता है तो एडिशनल रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि वहां पे कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट में पहले हियरिंग होगी, फिर काउंटर होगा, फिर हियरिंग होगी, तो दो तीन के बाद ही रिजल्ट वहां पे आएगा। तो बेटर है कि बीपीएससी ही मान ले, तो गलती हुई तो मानने में कोई बुराई है नहीं, तो सबसे बेटर है। तो यहां पे मेरा सजेशन ये है कि पहला, मेंस वाले तो घबराए नहीं, वो देंगे। दूसरा, जो जा रहे हैं, आप ये ध्यान रखना, हजारों लोगों की आशा भरी निगाहें आपकी तरफ है, बिल्कुल उम्मीद है। आप जो जा रहे हैं बीपीएससी ऑफिस में बात करने, आपसे उम्मीद है कि आप हर एक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हर एक के लिए की बात आप वहां रखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट है। कुछ लोग हैं जो मान लो एक नंबर से, दो नंबर से, तीन नंबर से बाहर हो गए, उनको लगता है कि दो तीन नंबर कम हो गए, रिजल्ट आ जाए, बात खत्म करें। नहीं, लगभग 15 क्वेश्चंस के आसपास बीपीएससी ने गलती की है, हमें सब वहां रखना है। बाद में जो होगा सो होगा, अपनी तरफ से लड़ाई को कमजोर नहीं करना, हमें सब रखना है वहां पे, सारा रखना है। हाँ, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट ये है कि जब आप अपनी बातों को रखें, जब आप अपनी बातों को रखें, उस समय जो सरकारी डाटा, गवर्नमेंट डाटा पे आधारित क्वेश्चन है, जैसे कुंवर सिंह वाला आप रख दो, वहां तो सीधे सीधे दिखेगा। महिला लिटरेसी वाला आप रख सकते हैं, वहां भी सीधे सीधे वहां गलती है। वन रिपोर्ट डाली, वहां सीधे सीधे गलती है। तो ये जैसे ही आप डालेंगे, जैसे ही ये बताएंगे, मतलब पहले रखेंगे, बीपीएससी को लगेगा बीपीएससी वहां पे कुछ भी बोलने के, मतलब बीपीएससी के पास कोई आंसर ही नहीं होगा, सीधा सीधा बीपीएससी मानेंगे कि हाँ मेरी तरफ से गलती हुई है। जब उसको आप 5-6 क्वेश्चन पे ऐसे दबा देंगे, तो आगे के क्वेश्चन पे उसको दबाना आसान हो जाएगा। लेकिन पहले ही श्री कृष्ण और श्री कृष्ण सिन्हा वाले में डिबेट में फंस जाएंगे, तो बीपीएससी को एज मिल जाएगा, वहां पे इग्नोर कर सकते हैं आपकी बातों को। तो कोशिश करना है जो सरकारी डाटा पे आधारित क्वेश्चन हो, 5-6, उसको पहले रखिए। वहां पे उसको, वहां पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, आप गवर्नमेंट डाटा देंगे उसको वो काट ही नहीं सकते, तो सीधा सीधा वहां पे तो ग्राउंड बनी रहे। उसके बाद अपने क्वेश्चन को क्रम में रखें, ताकि बीपीएससी के पास कुछ भी ना हो, उसको उसके पास कोई जवाब ना हो। और एडिशनल रिजल्ट तो आएगा, अब वो कितना नंबर कम होके आएगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक दो तीन नंबर पे तो जो है वो तो तैयारी करे ही, और भी कम होगा नंबर, और भी कम होंगे, लेकिन जो है कम से कम वो तैयारी करे। 100% उम्मीद है रिजल्ट आएगी ही आएगी, क्योंकि गलती हुई और बीपीएससी ने ही एक्सेप्ट किया है, तो फिर आना ही आना चाहिए। तो
उम्मीद है कि जो कल जा रहे हैं आप अपनी बातों को अच्छे से रखें और हर एक क्वेश्चन को वहां पे डालें और कोशिश करें कि उतना कम कट ऑफ हो और स्टूडेंट आए, जितने स्टूडेंट आए मेंस में उतने ही है, क्योंकि बेईमानी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। ये एक मैसेज था आप लोगों के लिए और फिर देखते हैं, कोशिश हम लोग की जारी है लगातार कि एडिशनल रिजल्ट जितना जल्दी हो सके आए, क्योंकि मेंस का टाइम भी कम हो रहा है, टाइम कम बचा है, तो जितना जल्दी हो और जितने ज्यादा से ज्यादा स्कोर कम होके रिजल्ट आए उसी की कोशिश हम